हाँ जी बेटा, यस्टरडे वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। अगेन आई विल कंटिन्यू विद द सेम एक्सरसाइज, बट नाउ वी कैन मूव टुवर्ड क्वेश्चन थर्ड, है ना। कल भी मुझे स्टूडेंट्स ने यही कहा था कि मैम थोड़ी सी फिगर बनाने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बेटा आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, देख लेना, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मेक द फिगर वेरी इजीली। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर यू, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट फॉर यू। द क्वेश्चन इज, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड्स उसने कहा है, ऑब्वियसली स्लाइड्स मीन कि हमारे पास वो ऐसे झूले टाइप वो बात ही कर रहा होगा। टू स्लाइड्स उसने मुझे कहा है कि मैंने पार्क में लगानी है फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके लिए स्लाइड कैसे हम जो है अप्लाई करें। तो बेटा उसने कहा, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब बेटा आप खुद देखिए, ये मेरे पास टॉप है, तो टॉप यहां से यहां तक होगी और ये ग्राउंड होगी 100% ना। तो बेटा यहां तक की हाइट मेरे पास 1.5 जो है मीटर की हाइट दी हुई है मुझे। अब उसने बेटा क्या कहा, एंड नेक्स्ट पार्ट उसने जो मुझे स्टेटमेंट में दिया, एंड टू एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब उसने कहा ये जो ऑब्वियस है इंक्लाइंड की हुई है स्लाइड, तो वो ये एंगल 30 होगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम हाइट लेते हैं ना वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। वी ऑलवेज कंसिडर द हाइट परपेंडिकुलर। अक्षित ऑन योर वीडियो, हरलीन ऑन योर वीडियो, गीतांशु ऑन योर वीडियो, अदरवाइज आई विल पुट यू इन द वेटिंग रूम। जिया धवन, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अनाउंस द नेम ऑफ एनी चाइल्ड। मनमीत, अगेन आपकी वीडियो ऑफ हो गई है। महक, सॉरी टू से बेटा। प्रिंसी, लेट मी सी योर फेसेस वेदर यू आर डूइंग और नॉट। लक्ष्य टंडन, डोंट इंसिस्ट मी टू स्पीक योर नेम बेटा, यू ऑल आर वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है वीडियो नाउ योर प्रिंस, यस प्रिंसी। चलिए बेटा तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा क्वेश्चन जो बात कर रहे थे हम, यस प्रिंसी मैम, बेटा। फोन रख के नोट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है। पार्डन, व्हाट यू आर सेइंग? मैम, फोन रख के साथ साथ नोट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कैमरा ऑफ रखना पड़ रहा है। बेटा कैमरा वंस यू ऑन इट तो वो तो ऑन हो जाएगा, इसमें ये एक्सक्यूज तो कोई भी नहीं है बेटा। अगर दूर है ना, फोन हाँ जी बेटा, दूर रखना पड़ता है ना। ऐसी तो कोई बात नहीं, आप कॉपी शो कर दो मुझे, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके हाँ ओके जी, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, आई जस्ट वांट कि यू आर डूइंग द वर्क और नॉट। ओके चलिए बेटा, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट उसने क्या कहा था, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। अब ये सेकंड स्लाइड जो उसने बात की एल्डर चिल्ड्रन की बात की, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। दैट मींस मेरे पास जो है इससे बड़ी जो है स्टीप, मतलब जिसमें एंगल ज्यादा बनेगा और ये हाइट बढ़ गई, तो ये 3 मीटर उन्होंने कहा कि मेरे पास सेकंड स्लाइड की जो बात की गई, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो मेरे पास जो है यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, तो ये ग्राउंड ऑब्वियसली है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दीज टू स्लाइड्स। अब मुझे ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है स्लाइड्स जो है बेसिकली
कि लेंथ कितनी, ये मुझे बोला गया। तो ऑब्वियस है स्लाइड की लेंथ ये होगी, ये हाइट होती है टॉप से, तो मुझे ये दोनों में कैलकुलेट करना है ना। सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं, ए बी दिस इज 90 डिग्री हाइट हमेशा चुगे, एंड दिस इज सी अगेन ई एफ जी एंड दिस इज 90 डिग्री है ना। फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो बेटा फर्स्ट केस मेरे पास हो गए इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आप खुद देखिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, पी एंड एच ट्रिग्नोमेट्री के कौन से बेटा टी रेशियो में आता है? दिस इज पी, दिस इज एच, पी ओवर एच बेसिकली जो है। यस सृष्टि बेटा, यस बताइए बेटा कौन सी टी रेशियो में आता है? अनम्यूट कीजिए सृष्टि फर्स्टली बेटा। अनम्यूट कीजिए, सृष्टि आई एम गिविंग यू द कमांड, अनम्यूट योर सेल्फ। मैम आवाज आई? हाँ जी बेटा बोलिए। साइन थीटा। यस वेरी गुड, पी और एच अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा पी बाय एच, तो थीटा मेरे पास 30 है और हियर इट इज पी परपेंडिकुलर, दैट इज 1 point दिस एंड लेट इट बी एक्स। हम यहां पर मेंशन कर देंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। मेरे पास जो है बेटा मीटर्स में बात हो रही थी, तो बेटा हम मीटर्स में ही यहां पर लिखेंगे, तो हियर इट इज एक्स। अब बेटा 1.5 ओवर एक्स और बेटा साइन 30 1/2 होते, ओके तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा तो एक्स की वैल्यू 3.0 मीटर। ओके सेम इज द केस हियर, यू लेट द हाइट बी वाई और ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट। ओके बेटा दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट दिस। यस दिव्यांश हमें एक बारी केस फर्स्ट समझा दो बेटा। इसमें मैंने कुछ भी जो नई टॉपिक नहीं करवाया, मैंने आपको कहा कि दो साइड्स ऐसी देखा करो जिसमें आपको एक चीज गिवन हो और दूसरी चीज आपने कैलकुलेट करनी हो। तो बेटा मैंने क्या देखा यहाँ पर, मैंने ये देखा हाइट इज 1.5 ओके एंड मेरे पास एच जो है मैंने कैलकुलेट करना है। अब मैंने टी रेशियो देखी जिसमें पी और एच दोनों इंक्लूड होते हैं, पी और एच, पी बाय एच आपको पता है साइन थीटा होता है और थीटा यहाँ पर 30 आ गया, मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट की एंड आई विल गेट द आंसर। ओके क्लियर दिव्यांश? ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सेकंड पार्ट यू हैव टू डू इट एज योर होमवर्क बेटा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4th पे जा रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 4th बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th फ्रॉम योर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4th में बेटा मेरे पास क्या दिया हुआ है, हम ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, अब बात हो रही है टावर की, मैंने टावर बना लिया, मैंने टी लिख लिया, दिस इज टावर ताकि मुझे भूले ना। ओके अब उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैंने एलिवेशन देखना है, दिव्यांश लो योर हैंड बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था कि एंगल एलिवेशन का मतलब है आप नीचे खड़े हो और आप ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हो बेटा, तो दैट मींस या आप इस तरफ हो सकते हो या आप इस तरफ हो सकते हो अगर आपने टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ कि मैं कहां पर खड़ी हूं। लेट अस सी, लेट अस रीड द फुल स्टेटमेंट आफ्टर देन आई कैन कम टू यू। हां जी बेटा, तो उसने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. उसने कोई left right नहीं कहा, उसने कहा कि foot of tower से मुझे जो है foot of tower से 30 meter दूर एक point है, मैं इस तरह बना लेती हूँ, so what?
तो बेटा मैंने यहाँ पर जो है 30 मीटर का डिस्टेंस लेके मैं अब यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देख रही हूँ टॉप ऑफ द टावर। हमेशा जब हम देखते हैं तो हम हमेशा उसके पीक पॉइंट पे ही देखते हैं, अनलेस यहाँ कहीं मेंशन हो, जब दिया नहीं है तो हम टॉप को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल उसने मुझे दे दिया 30 डिग्री। नाउ व्हाट दे हैव रिटन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब कितना इजी है देखिए बेटा, यहाँ पर हाइट ये होती है, ये मुझे कैलकुलेट करना, पहले लेबलिंग कर दें ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब बेटा मेरे पास जो है, अगेन अक्षित योर वीडियो इज नॉट ऑन, गीतांशु कपूर योर वीडियो इज नॉट ऑन बेटा, प्लीज बेटा नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अनाउंस द नेम आई एम सेइंग। हां जी बेटा, अब यहां पर देखिए बेटा, अगर मैंने देखना है मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, ये वाले ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस, क्योंकि जहां 90 और एंगल होता है दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। बी एंड पी की बात हो रही है, बी पी या पी बी जिसको मर्जी ले लो, दोनों से आंसर करेक्ट आएगा, मैंने कल भी बताया। तो बेटा अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये टैन थीटा होता है, ये आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी इतना मुझे पता चल गया कि आई हैव टू यूज टैन थीटा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्टली लेट द हाइट बी एच, ठीक है, तो वी विल राइट लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। ओके, एम बी डाल देती है, दैट इज मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एच ओवर, मेरे पास हो गए देखिए 30, बिकॉज परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन थीटा दैट इज 30 डिग्री। अब आपको पता है टैन 30 1/√3 होता है, तो बेटा मैं यहां पर एच बाय 30 1/√3, मुझे एच कैलकुलेट करना है तो 30 ही ट्रांसपोज होगा सिर्फ, तो दैट मींस कीप एच ऑन वन साइड एंड ट्रांसपोज 30 ऑन अदर साइड। नाउ रैशनलाइज इट, नेवर कीप द इरैशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ हियर, दैट इज 30/√3, इट विल कैंसिल, यू विल गेट 10√3 meter बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन? यस दक्ष बेटा। मैम अगर फिगर लेफ्ट राइट हो जाएगी मैम तो फर्क थोड़ी पड़ेगा? क्या क्या बेटा रिपीट कीजिए। मैम आपने कहा कि लेफ्ट राइट है, हाँ तो जिस तरफ मर्जी आप बेटा, अगर ऐसे करके ऐसे भी बना लोगे डजंट मैटर बेटा, तो परपेंडिकुलर और बेस को सेम ही रहना है ना, ये 30 मीटर हो जाएगा, इधर टावर आ गया 100 फुट, आना तो पी बाय बी ही है ना बेटा। ओके दक्ष, क्लियर है बेटा सबको? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हाँ जी बेटा, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th बेटा। ओके, यू ऑल ऑफ यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू मेक द फिगर, ताकि आपको पता चले फिगर कैसे बनती है। ऑल ऑफ यू, आई एम गिविंग यू द टाइम टू मेक अ फिगर, हरी अप, रीड इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक और आई एम शोइंग इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, हरी अप। Hurry up, try to read the question number 4th and do it. Jaldi, jaldi. Kisi ki bhi turn aa sakti hai to tell me how to perform this question. Hanji, I'm reading for you, those who are not able to see the figure. The angle of elevation, sorry, question number 5th we have to do. Kite is flying
एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. अब जब आप बॉयज जो काइट जब उड़ाते हैं उनको पता है स्ट्रिंग उनकी जो थ्रेड काइट ऐसे होती, लेकिन ये ग्राउंड है स्पोर्ट्स. नो डाउट जब हम काइट उड़ाते हैं तो हमारा हैंड भी स्ट्रिंग होती है, हम अपने हैंड को ही ग्राउंड लेवल मान लेते हैं. ओके, तो ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, ये मेरी काइट होगी बेटा. ओके, अब ये हाइट मुझे यहां पर डिस्कस हो गई. ओके, यहां तक सबने फिगर बना ली. अब बेटा मुझे यहां पर बोला गया कि काइट की हाइट 60 मीटर, मुझे लगता है सब बच्चों ने लिख लिया होगा 60 मीटर. नाउ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. उसने मेंशन ही कर दिया कि ये जो स्ट्रिंग है ना ग्राउंड पे एक पॉइंट पे मैंने टक कर दी, टाइटली यहां पर जो है टक कर दी. अब व्हाट इज रिटन हियर, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. नाउ दिस इज स्ट्रिंग, दैट मींस द थ्रेड, एंड दिस इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द ग्राउंड, एंड दैट इज गिवन टू अस 60 डिग्री. ओके, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आई नीड टू कैलकुलेट दिस व्हाट दे हैव मेंशन्ड, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग. स्लैग मतलब ढीलापन, उसमें लूज लूज थ्रेड नहीं है, दैट इज स्ट्रेचिंग, ये उन्होंने बोला. नाउ हु इज एबल टू टेल मी विच टी रेशियो वी कैन यूज हियर. हरी अप, बी फास्ट, जस्ट आई वॉन्ट 100% स्टूडेंट कैन रेज द हैंड टू टेल मी दिस आंसर. ओके लक्ष्य टंडन, यस बेटा, हाँ जी, साइन थीटा. आप कह रहे हो कि साइन थीटा, लेट अस वेरीफाई इट कि साइन थीटा यूज होता है. देखिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, 100% पी और एच का रिलेशन साइन का ही होता है. बिल्कुल करेक्ट बताया लक्ष्य टंडन ने. तो आई कैन यूज हियर साइन थीटा, ये साइड पे मेंशन कर दीजिए पी बाय एच, यानी आपको एक चीज पता चल गई, फिगर के वन नंबर होते हैं आपको मिल गए, कॉन्सेप्ट पता चल गया, हाफ नंबर इसके होते हैं कि साइन थीटा यूज करना है. यानी अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको 1.5 यहाँ तक मिल गए नंबर. ठीक है बेटा, अब आगे पूरा सब कुछ मेंशन करने के लिए लेबल कीजिए ए बी सी. नाउ यू कैन राइट, फर्स्टली लेट द लेंथ ऑफ, मेरे पास जो है स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज ए बी ए सी दैट इज एक्स मीटर. ओके, आई कैन राइट हियर एक्स मीटर. ओके बेटा, नाउ वी कैन यूज हियर इन ट्रायंगल ए बी सी, मेरे पास साइन थीटा यूज करना है, यहाँ साइन 60 यूज होगा, दैट इज परपेंडिकुलर, बाय एच मेरे पास एक्स यूज होगा, एंड यू नो इट साइन 60 डिग्री इज √3/2. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट एक्स. बेटा एक्स उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 2 को इधर ले जाइए, √3 को इधर ले आइए. So what you will get here, x is equal to 60 into 2 by √3. कोई बच्चा cosecant भी यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप cosecant से भी कर लेते हो तो x से पहले ही ऊपर आ जाए, doesn't matter, आंसर तो सेम ही आना बेटा. ओके, तो अब मेरे पास हो गए, यहां से अगर मैं कटिंग मल्टीप्लाई करूं 120 by √3, रैशनलाइज करेंगे √3 √3 मेरे पास, तो मेरे पास ये 3 बन गया और ये 40, दैट मींस 40 √3 मीटर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. यस बेटा, दक्षा दिव्यांश, यस बेटा बोलिए व्हाट्स द प्रॉब्लम. ओके नो प्रॉब्लम, क्लियर टू एवरीवन. एट द एंड यू हैव टू राइट देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर. ओके, क्लियर टू एवरीवन. हां जी गीतांशु,
Akshit, next is your turn to put you or remove you. Next is Jiya Dhawan and Lakshya Tandon, Kakkad. Hanji beta, next question. I'm having question number 6 to beta. Question number 6 is, now who is able to tell me how to perform this question? Just raise your hand, read the statement and tell me how to make the figure. Aap log sab banaiye aur mere saath apni screen pe statement figure jo hai wo kijiye. Hurry up. Show kijiye mujhe apni screen pe. I want to check. Jaldi, be fast. I'm waiting who is able to show me. Okay, one Bisham has shown me the figure. Next, be fast. Okay, Lakshya has shown me, very nice. Hum fir verify karenge whether you have drawn the correct or not. Okay, Daksh, let us see kiski sahi hoti hai, kiski galat hoti hai. Let us see. Kuch bachcho ne correct batai hai, kuch ne wrong bata rahe hai, draw ki hai. Koi baat nahi, doesn't matter. Jaldi, jaldi. Baki sab bachche, jaldi show kare mujhe. You are trying your best, very nice. Jaldi, jaldi beta. हां जी लक्ष्य रंगीर मनमीत पार्थ प्रथम जल्दी बेटा कार्तिक के शो मी द क्वेश्चन सक्षम शो मी बेटा ओके चलिए आई एम हैप्पी दैट यू हैव ट्राई योर बेस्ट लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मेरे पास हो गए व्हाट दे हैव रिटन 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग अब बेटा देखिए सबसे पहले तो 1.5 मीटर टॉल बॉय मैंने ये बनाया ओके नाउ दिस इज He at this boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. वो आपकी मर्जी आप बिल्डिंग इधर बना लो या आप बिल्डिंग इधर बना लो ये मैंने बिल्डिंग बना ली दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दिस बॉय इज स्टैंडिंग एट दिस आपने बॉय दिखाया ही नहीं मुझे काफी बच्चों ने बॉय को शो ही नहीं किया है ना अब आगे उसने क्या कहा बेटा The angle of elevation from his eyes. Obvious है, boys की eyes यहाँ top पे ही होंगी, क्योंकि यहीं से हमने देखा। चाहे मेरी height यहाँ से इतनी बड़ी है, if I'm a boy, मैं angle of elevation देख रही हूँ, इस room के top की, है ना मेरे लिए tower जो है, वो gate बन गया। Gate को मैं tower कहूँ। तो बेटा मेरा angle of elevation यहाँ, नीचे से ऊपर, मतलब like this, ये देखिए। अब मैं एंगल यहां थोड़ा बना दूंगी ऐसे एंगल बनाने के लिए मुझे एक ग्राउंड लेवल एक स्ट्रेट रे चाहिए होती ओके तो यहां पर बेटा मैंने एक लाइन ड्रॉ की और मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 अब ये चीज आपको समझानी पड़ेगी 30 to 60 as he walks towards the building वो कहते हैं कि वो इधर से जब यहां कहीं जाता है बिल्डिंग की तरफ अगर किसी बच्चे ने बिल्डिंग इधर बनाई होती तो वो इधर को मूव करता तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पहले 30 था फिर 60 हो गया यानी यहां पर 30 डिग्री यहां पर 60 डिग्री दिस इज द एक्चुअल फिगर ओके बेटा तो यहां उसने कहा
कि मेरे पास जो है एंगल ऐसे इंक्रीज हो गए। तो एक यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ। एक लाइन जो टॉप से होती है, ये दो लाइंस है ना, ये वर्टिकल लाइन के पास जितनी ये लाइन होती है ना, जो पास होगी वहां उसमें एंगल बड़ा होगा, जितनी वर्टिकल लाइन से दूर ऐसे लाइन जाती जाती है ना, उसका एंगल उतना डिक्रीज होता जाता। तो इसका मतलब कभी भी अगर आप फिगर देखो, अगर आपको नहीं समझ आए दो एंगल्स दिए हैं, तो बेटा याद रखना वर्टिकल लाइन के पास ज्यादा वाला एंगल, और जितनी वर्टिकल लाइन से ये दूर चले जाएगी उतना ही कम एंगल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ए बी ये सी डी ई ये एफ, अब ये पूरी हाइट 30 है, ये 1.5 कितनी, ये 1.5 है, ये निकल गई बेटा, तो मेरे पास ये लेंथ 30 - 1.5 यानी 28.5 मीटर होगी। यानी नीचे वाले पार्ट का मुझे कोई लेना देना नहीं है बेटा, मैंने जो भी कुछ करना है ना बेटा सिर्फ इतनी ट्रायंगल्स के लिए, ये और ये। वी विल डू इट टुमारो, कंप्लीट इट टुमारो बिकॉज द टाइम इज ओवर। ओके बेटा, वी विल कंप्लीट दिस सम टुमारो, यू ट्राई योर सेल्फ बट आई विल डिस्कस इट 100% विद यू। ओके, गुड बाय।